हे व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में Redmi 10 Prime के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जैसे कि फ्रंट कैमरा के अराउंड कैसे रिंग लाइट इफेक्ट को इनेबल करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और बाहर चल रहा है बारिश, इसके वजह से आपको बारिश का आवाज़ आ सकता है, थोड़ा संभाल के ले लेना। और आपके पास Redmi 10 Prime है तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज आती रहेगी। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं गाइस इंपॉर्टेंट सेटिंग से, और उन इंपॉर्टेंट सेटिंग को आपको जरूर इनेबल करना चाहिए, और उन सेटिंग्स को आप इनेबल नहीं करते हो तो आपका ये फ़ोन यूज़ करने का जो एक्सपीरियंस है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। और गाइस मैं आज थोड़ा बारिश में भीगा था, इसके वजह से मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, मतलब सर्दी की वजह से, तो थोड़ा समझ लेना आवाज़ कुछ चेंजेस आपको आवाज़ में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे गाइस इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको करना है कि इस फ़ोन के ऊपर आपको बहुत सारे एड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते लॉक स्क्रीन के ऊपर तो भर भर के एड्स आते हैं। और यहाँ पे मैंने एक ट्वीट भी किया था एड्स के रिगार्डिंग कि मुझे एड्स आ रहे Redmi 10 Prime में, बट आप में से बहुत सारे व्यूवर्स को लग रहा है कि मैंने वॉलपेपर लगाया है, एक्चुअली ये एड ही था, बट MIUI के बग्स के वजह से यहाँ पे कैमरा का आइकन यहाँ से हट गया है और ग्लांस का जो आइकन रहता है वो हट गया है, एक्चुअली ये एड ही आया था। तो ऐसे कुछ एड्स आते हैं और इनको जरूर बंद करना चाहिए। आपको आना है सेटिंग में, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, उसके बाद आपको आना है नीचे, यहाँ पे आना है लॉक स्क्रीन पे, और लॉक स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे ग्लांस फॉर मी का ऑप्शन आपको देखने मिलता है, इसको सीधा आपको बंद कर देना है। उसके बाद गाइज आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर वगैरह एड्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे गाइज आपको क्लीन UI यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइज सेकंड इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको करना है कि ये जो गेट ऐप है उसके नोटिफिकेशन आपको बंद कर देनी है, नहीं तो गाइज ये इतना नोटिफिकेशन भेजता है, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, जो मैंने स्क्रीन शॉट निकाल के यहाँ पे रखा था, यहाँ पे गाइज देख सकते हो ऐसे कुछ ये बार बार नोटिफिकेशन भेजता रहता है, तो यार इसके वजह से आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए क्या करना है, इसके ऊपर प्रेस एंड होल्ड करना है, ऐप इंफो में जाना है, और उसके बाद यहाँ पे जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है यहाँ पे इसको आपको ऑफ कर देना है, उसके बाद इसकी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। उसके साथ सेम आपको थीम ऐप के साथ भी करना है, ये भी बहुत सारे नोटिफिकेशन भेजता है, इसकी वजह से आपको डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए इसका भी नोटिफिकेशन आपको बंद कर देना है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी जो आपको जरूर इनेबल करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है गाइज, और ये बाय डिफॉल्ट कभी कभी ऑफ होके ही फोन के साथ आती है, वो है डिस्प्ले सेक्शन में रिफ्रेश रेट। तो ये आपको बाय डिफॉल्ट कभी कभी 60Hz ही देखने मिलता है, तो इसको आपको शिफ्ट करना है 90Hz के ऊपर, उसके बाद आपको फोन थोड़ा सा यहाँ पे स्मूथ फील होगा, बट ये जो 90Hz है इतना भी अच्छे से यहाँ पे काम नहीं करता है, फिर भी ये जो 90Hz है ये आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद इस फोन में स्पेशल और एक काफी कमाल का फीचर देखने को मिलता है, और उसको भी गाइस आपको जरूर इनेबल करना चाहिए। ये मिलता है आपको एडिशनल सेटिंग में, यहाँ पे मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये क्या करेगा, आपका 4GB रैम है तो एक्स्ट्रा 1GB ऐड करेगा एज ए इंटरनल स्टोरेज को यूज करके, तो इससे क्या होगा आपका जो रैम मैनेजमेंट है फोन का वो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर हो सकता है, तो इस फीचर का भी गाइस आप उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग मिलते हैं गाइस आपको फिर से पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, यहाँ पे आना है, फिर से नीचे आना है लॉक स्क्रीन पे, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑप्शन राइट्स टू वेक, इसको भी जरूर इनेबल करना, उसके साथ डबल टैप टू वेक का भी ऑप्शन है, इसको भी इनेबल करके रखना। तो इससे क्या होगा गाइज, आप फोन को रखते हो, मतलब राइट्स टू वेक से क्या होगा, आप फोन को ऐसा रखते हो और फोन को जस्ट उठा के ऐसा थोड़ा टिल्ड करते हो तो इसका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, या अदरवाइज आपका फोन ऐसे ही बंद है, ऐसे आपने रखा है और डिस्प्ले के ऊपर डबल टैप करते हो तो फिर भी आपका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। तो ये दो भी काफी कमाल की सिंपल सेटिंग्स है, और इसको भी गाइज जरूर आपको इनेबल करके रखना चाहिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग गाइज कि ये जो बैटरी परसेंटेज है बैटरी के अंदर, ये आपको बाय डिफॉल्ट देखने को नहीं मिलता, और आपका करंट इंटरनेट का स्पीड कितना चल रहा है ये भी आपको बाय डिफॉल्ट देखने को नहीं मिलता, तो इसको इनेबल करना पड़ता है। तो आपको आना है नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में, उसके बाद नीचे आना है स्टेटस बार में, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। सबसे पहले गाइस शो कनेक्शन स्पीड के ऊपर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट का स्पीड आपका शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गाइस आता है बैटरी इंडिकेटर, और यहाँ पे आप बैटरी के अंदर में कितना परसेंट बैटरी बचा है ये रख सकते हैं, या बैटरी के साइड में भी कितना परसेंटेज बैटरी बचा है ये रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मुझे इन बैटरी परसेंटेज वाला पसंद आता है, तो ऐसे आप रख सकते हैं। नेक्स्ट काफी कमाल की सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है क्विक टॉगल में। तो सबसे पहले गाइस क्विक टॉगल आपका दो टाइप का यहाँ पे देखने को मिलता है, ये आपको पूरा नया क्विक टॉगल देखने मिलता है, और एक पुराना क्विक टॉगल भी आपको देखने मिलता है। तो आपको नया क्विक टॉगल है, आपको पुराना इनेबल करना है, तो आपको यहाँ पे सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में आना है, नीचे आपको ये कंट्रोल सेंटर स्टाइल देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, ओल्ड वर्जन के ऊपर क्लिक करना है। तो ओल्ड वर्जन रखते हो तो यहाँ पे यार एक बहुत अच्छी चीज आपको देखने मिलती है कि ओल्ड वर्जन में आपका करंट डेटा आपने कितना यूज किया है, मतलब आज के दिन और इस महीने कितना यूज हुआ है, ये सब कुछ शो होता है, जो आपको न्यू वाले क्विक टॉगल में ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता।
तो आप ये पुराना क्विक टॉगल ऐसे स्विच कर सकते हो। तो यहाँ पे क्विक टॉगल में आने के बाद बहुत सारे नए नए फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे गाइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपको देखने को मिलता है। इसके ऊपर आप टैप करते हो तो यहाँ पे वीडियो क्वालिटी, साउंड सिस्टम का रखना है या आपके मिक का रखना है, फिर फ्रेम रेट्स कितने ऊपर सेट करना है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और आपको जो सेटिंग्स पसंद आती है उसके हिसाब से यहाँ पे आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। और क्विक टॉगल में आपको और भी नए नए फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ से भी फ्लैश लाइट को आप ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ से गाइज आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। उसके साथ गाइज यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन देखने को मिलता है, डार्क मोड। मतलब डार्क मोड के लिए आपको डिस्प्ले सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से एक टॉगल मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपका डार्क मोड यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। उसके साथ आप कोई ऐप यूज कर रहे हो, जैसे कि मान लो मैं ट्विटर यूज कर रहा हूँ और ट्विटर यूज करते करते मुझे इसको फ्लोटिंग विंडो में लेके जाना है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है फ्लोटिंग विंडो, उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो ये ट्विटर यहाँ पे छोटा सा बन चुका है। इसको आप मूव इधर उधर कर सकते हो, ऊपर स्वाइप करेंगे तो ये पूरा ऊपर स्वाइप करते हो तो ये पूरा चला जाएगा। ऐसे कुछ फीचर्स आपको टॉगल में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ से आपको नियर बाय शेयर का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आप बड़े बड़े फाइल्स इस नियर बाय शेयर का यूज करके आपके एक फोन से दूसरे एंड्रॉइड फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये गूगल का स्पेशल फीचर है और यहाँ से बहुत फास्ट फाइलें ट्रांसफर हो जाती है। उसके साथ टॉगल में ही आपको मी रिमोट यूज करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे मी रिमोट ऐप ओपन हो जाता है और यहाँ पे जिसका आपको कंट्रोल करना है उस डिवाइस को यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐसे कुछ कमाल के फीचर थे क्विक टॉगल में। उसके बाद नेक्स्ट फीचर आते हैं गाइज होम स्क्रीन के ऊपर। पंच इन करते हो और फिर फोन को सेक करते हो तो यहाँ पे जो गैप बचा था वो पूरा ऐप के साथ फिल हो जाता है, ये भी काफी कमाल का फीचर है। और उसके साथ आप होम स्क्रीन के ऊपर प्रेस करके रखते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं प्रेस करके रखता हूँ जहाँ पे फ्री एरिया है, तो यहाँ पे गाइज वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से विच आप नए नए बना सकते हैं। और यहाँ पे ही लॉन्चर सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ से आप ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं, आपको पुराना पसंद नहीं आता है तो ऐसे कुछ नए नए यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद आप एक पेज से सेकंड पेज में जाते हो तो जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट आता है तो ये यार काफ़ी कमाल का आता है और ऐसे आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ और भी आपको सेटिंग्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोई पेज आपको बाय डिफ़ॉल्ट सेट करना है तो उस पर्टिकुलर पेज को आप एज अ डिफ़ॉल्ट स्क्रीन सेट कर सकते हो। उसके साथ होम के जो आइकन है उनका लेआउट कितना रॉ और कितना कॉलम रखना है ये यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। और उसके साथ आप मोर में आते हो तो बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला गाइज आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन करना है माइनस स्क्रीन, तो यहाँ पे गाइज आपको रखना है गूगल डिस्कवर। तो यहाँ पे क्या होगा, आप जब माइनस स्क्रीन के ऊपर गूगल डिस्कवर नहीं रखते हो तो ये बाय डिफॉल्ट शाओमी का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यार ये बहुत गंदा दिखता है, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐप वगैरह देखने को मिलते हैं, बहुत कुछ देखने को मिलते हैं, थर्ड पार्टी ऐप्स वगैरह रिकमेंडेशन वगैरह आता है, तो इसको आपको बंद करना है। तो यही करना पड़ेगा, प्रेस करना है, सेटिंग में आना है, मोर में आना है, माइनस स्क्रीन के ऊपर आपको गूगल डिस्कवर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे गूगल फीड आ जाएगा, गूगल के नए नए जो भी यहाँ पे न्यूज़ है ये न्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये गूगल वाला डिस्कवर जो है वो शाओमी का जो बाय डिफ़ॉल्ट ऐप वेलेट है उससे कहीं गुना बेटर है और ऐसे आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद बात करें और भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स की, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलती है होम स्क्रीन, यहाँ पे आप ऐप ड्रॉअर भी रख सकते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट शाओमी का क्लासिक वाला रख सकते हो। उसके बाद क्या होगा, आपको ऐप ड्रॉअर देखने को नहीं मिलेगा, सारे ऐप आपको पेज के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सारे ऐप यहाँ पे आ चुके हैं पेज के ऊपर, बट यहाँ पे आपको ऐप ड्रॉअर देखने को नहीं मिलता, तो ऐसे भी आप चेंज कर सकते हैं इसको। उसके साथ नीचे गाइज आपको सिस्टम नेविगेशन देखने को मिलता है, गेस्चर सिस्टम और बटन सिस्टम। आपको गेस्चर सिस्टम पसंद नहीं आता है तो आप बटन सिस्टम रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हो यहाँ पे आपको बटन्स देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ आइकन साइज चेंज करने का ऑप्शन मिलता है और यहाँ से आप अपने फ़ोन के आइकन कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके साथ नीचे और भी आपको गाइज ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि अरेंज आइटम इन रिसेंट, तो यहाँ पे दो टाइप का आपको रिसेंट मेन्यू भी देखने को मिलता है, ये है वर्टिकल स्टाइल में और ये हॉरिजेंटल स्टाइल में। जब हॉरिजेंटल स्टाइल में रखते हो तो ऐसा कुछ गाइज आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कुछ, तो ये भी कमाल का है, नया है, आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करें और नीचे नए सेटिंग्स की, जैसे कि यहाँ पे गाइज शो मेमोरी स्टेटस के ऊपर भी क्लिक करके रखना, जैसे आप रिसेंट में जाते हो तो यहाँ पे आपका कितना रैम फ्री है तो गाइज ये यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आउट ऑफ 4GB कितना रैम फ्री बचा है, ये क्लियरली यहाँ पे शो करेगा और आप टाइम टू टाइम रैम को क्लियर कर सकते हैं। होम स्क्रीन में और एक इंपॉर्टेंट सेटिंग मिलती है, वो है ब्लर ऐप प्रीव्यूज। तो इसमें क्या करना है गाइज,
आप किसी भी ऐप के ऊपर यहाँ से इनेबल करते हो तो वो जो ऐप है वो आपको रिसेंट में पूरा ब्लर दिखेगा। मतलब कोई भी मान लो आपका इंपॉर्टेंट ऐप है, जैसे कि क्रोम के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे गाइज मैं क्रोम को ओपन करता हूँ और मेरा काम होने के बाद मतलब मान लो मैं फिर गलती से इसको रिसेंट में भी ओपन करता हूँ तो ये ऐप ब्लर होगा। तो ऐसे कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो भी ऐप्स है, आप ब्लिक में फ़ोन को यूज़ करते हो तो ऐसे कुछ आपके इंपॉर्टेंट ऐप्स है, इनको आप रिसेंट में ब्लर कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं गाइज कि सेटिंग्स के अंदर आपको जो भी मेन मेन सेटिंग्स है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग और इनेबल करनी चाहिए। जैसे कि गाइज आप आते हो सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स में तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग इनेबल करनी है। एडवांस में आते हो और आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रहते हो तो यहाँ पे जो डेटा रोमिंग है इसको आपको ऑलवेज करना है, तभी आपका डेटा ऑन होगा। उसके बाद आप जिस भी सिम का डेटा यूज़ कर रहे हो उस सिम के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और सबसे पहले यूज़ ओएलटी के ऊपर क्लिक करना है और उसके साथ यहाँ पे मेक कॉल यूजिंग वाईफाई के ऊपर भी क्लिक करना है। आप अपने घर में वाईफाई यूज़ करते हो तो वाईफाई के थ्रू आपके कॉल हो जाएंगे, तो इस सेटिंग को भी जरूर आपको गाइज इनेबल करना है। यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे, और लॉक स्क्रीन पे भी आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और भी देखने को मिलती है, जैसे कि गाइज यहाँ पे लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो जैसे आपने लॉक स्क्रीन के ऊपर वॉलपेपर रखा है उसके हिसाब से। जैसे कि साइड में करना तो साइड में पूरा यहाँ पे क्लॉक चला जाएगा और ऐसा कुछ आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा और ये भी यार मस्त दिखता है, कर सकते हो आप। उसके बाद गाइज बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग की, वो आते हैं डिस्प्ले के अंदर। तो डिस्प्ले के अंदर गाइज आपको डार्क मोड देखने को मिलता है, मैंने बताया ऑलरेडी, बट डार्क मोड का भी शेड्यूल आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो, जैसे कि रात के 6 बजे से लेकर सुबह के मॉर्निंग के 6 बजे तक ही डार्क मोड चलना चाहिए, तो यहाँ पे ये जो शेड्यूल है ये आप सेट कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा होता है आपके आँखों के लिए जब आप फ़ोन को रात में यूज़ करते हो। उसके साथ गाइज बात करें यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग की, तो आते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में। तो यहाँ पे भी गाइज बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन का यहाँ पे आपको साउंड चेंज करना है या अलग कुछ तो साउंड रखना है तो डायरेक्ट ये थीम स्टोर पर रिडायरेक्ट करता है, इसलिए क्या करना है आपको डेटा को बंद करना है और ये थीम को हटाना है। तो डेटा को ऑफ करने के बाद फिर से आप नोटिफिकेशंस में आते हो तो यहाँ पे गाइज आपको ये ओरिजिनल मेनू शो होगा, ये थीम स्टोर पे रीडायरेक्ट नहीं करेगा, इसलिए डेटा को जरूर ऑफ कर देना। तो यहाँ से आप गाइज ये जो साउंड है साउंड नोटिफिकेशन साउंड इनको चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे मोर पे जाके आप थीम स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ रिंगटोन का भी वही सीन है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, आपको जो पसंद आते हैं यहाँ से आप रख सकते हो। मोर पे क्लिक करने के बाद ये थीम स्टोर पे रीडायरेक्ट करेगा। इससे इंपॉर्टेंट गाइज कुछ नीचे सेटिंग्स है उनको जरूर यहाँ पे इनेबल करना चाहिए, जैसे कि वाइब्रेशन फॉइल रिंगिंग ये ऑफ रहता है बाय डिफॉल्ट, इसको जरूर आपको इनेबल करना है और वाइब्रेशन का जो इंटेंसिटी है ये आपको स्ट्रांग रखना है। उसके साथ एडिशनल सेटिंग में आना है और यहाँ पे बिना फालतू के साउंड जो आते हैं, जैसे कि कुछ डिलीट किया उसका साउंड आता है या स्क्रीनशॉट लिया उसका साउंड आता है, इसको गाइज यहाँ पे आप बंद कर सकते हैं। कुछ अनइंस्टॉल किया ऐप्स उसका भी साउंड आता है, तो पूरा इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका रखना है जिसका बंद करना है यहाँ से आप टोटली बंद कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं साउंड इफेक्ट्स में, तो इस फोन में आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने मिलते हैं जो बहुत अच्छी चीज़ है, बट यहाँ पे यार डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मुझे पर्सनली देखने को नहीं मिला, बट आप इसमें ईयरफोन यूज़ कर सकते हैं और ईयरफोन के साथ आप ये इक्विलाइजर यूज़ कर सकते हैं इस फोन में, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके साथ गाइज बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग की, वो आते हैं नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको क्विक टॉगल कैसे चेंज करना है, उसके साथ कोई ऐप आपको बार बार परेशान करता है या बार बार नोटिफिकेशन भेजता है तो उसको डायरेक्ट यहाँ से आप बंद कर सकते हैं उसके नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे सारे ऐप्स शो होंगे, जिस ऐप का आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है, उस ऐप का नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और गाइज लॉक स्क्रीन के ऊपर जो नोटिफिकेशन आती है उसको भी आप बंद कर सकते हैं, यहाँ पे आपको आइटम शो ऑन द लॉक स्क्रीन आफ्टर स्वाइपिंग डाउन ये ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको सिंपली ऑफ करना है। आप लॉक भी करते हो उसके बाद नीचे क्विक टॉगल लेते हो तो भी आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, तो ये प्राइवेसी के रिगार्डिंग बेस्ट फीचर है और इसको भी गाइज आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद इस फोन में नेक्स्ट फीचर आता है गाइज थीम का। तो गाइज इतने सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन इस Xiaomi के आपको MIUI में देखने में मिलते हैं और यहाँ से गाइज आप बहुत सारे थीम इजीली चेंज कर सकते हो। डेली आप नए नए यहाँ पे थीम्स इनेबल कर सकते हो अपने फ़ोन में, और आपको मतलब आपने 4-5 थीम डाउनलोड किया है, आप 4-5 थीम को मिक्स करके अपना खुद का एक थीम बना सकते हैं,
जैसे कि यहाँ पे गाइस कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखने मिलता है, किसी थीम का लॉक स्टाइल उठा सकते हैं, किसी थीम का आइकन, किसी थीम का बूट एनिमेशन, किसी थीम का स्टेटस बार वगैरह उठा के एक कंबाइन थीम करके भी आप यूज कर सकते हैं। सो यहाँ से आप थीम वगैरह लगा सकते हैं, वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन फॉन्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये थीम जो है, थीम जो देखने को मिलता है शाओमी का, ये सब यूआई में से सबसे स्ट्रॉन्ग थीम मैनेजर बोलो या थीम स्टोर आपको बस शाओमी के फ़ोन में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आप अपना फिंगरप्रिंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, इजीली यहाँ पे आप ऐड फिंगरप्रिंट करके कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो फिंगर रिकॉग्नाइजेशन मेथड है, इसके ऊपर आपको टच के ऊपर क्लिक करना है। ये प्रेस करने के आपको फिंगरप्रिंट जो बटन है, पावर बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके ऊपर सिंपली आप ऐसे अंगूठा रखते हो तो ये अनलॉक हो जाएगा। बाकी गाइज आप ऐप लॉक भी इस फोन में यूज कर सकते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके साथ यहाँ पे गाइज और भी ऑप्शन मिलते हैं, फेस अनलॉक वगैरह, फेस वगैरह आप अपना इस फोन में ऐड करके फेस अनलॉक भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ प्राइवेसी प्रोटेक्शन का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, किस ऐप ने कौन कौन सा परमिशन लेके रखा है, किसको डिनाई करना है, ये सारे ऑप्शन गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं और इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं ऐप बैटरी एंड परफॉर्मेंस में, तो बैटरी एंड परफॉर्मेंस में भी इंपॉर्टेंट सेटिंग मिलती है। जैसे कि आपकी बैटरी कम हो गई तो आप अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ग्राफ में आपने फोन कितना यूज़ किया है ये सब कुछ पता चल जाएगा। और यहाँ पे गियर मतलब सेटिंग के आइकन के ऊपर आते हो तो यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है, जैसे कि टर्न ऑफ मोबाइल डेटा व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, तो ये भी कर सकते हो। आपने मान लो आपका डेटा ऑन है और यहाँ पे 30 मिनट्स के बाद आप सेट करते हो इसको और आप अपना फ़ोन को ऐसे लॉक कर देते हो, उसके बाद 30 मिनट्स के बाद आपोआप ये अपना फ़ोन का डेटा बंद करेगा। इसके वजह से गाइज आपका बैटरी भी सेव हो सकता है और आपका डेटा भी सेव हो सकता है। नेक्स्ट फीचर आपको ऐप्स में देखने को मिलते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप का ऑप्शन देखने को मिलता है, बट अभी तक शाओमी ने यहाँ पे सिस्टम के ऐप्स ऐड नहीं किया है, जैसे कि गेट ऐप वगैरह या कैलेंडर वगैरह, उनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। बट ये अब वेट कर रहे हैं कि हम शाओमी कब सिस्टम अपडेट पुश करता है और उनमें ये ऐप अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन देता है। उसके साथ नीचे आपको गाइज यहाँ पे ऐप लॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है और आपके जो भी इंपॉर्टेंट ऐप्स हैं उनके ऊपर आप यहाँ पे लॉक चढ़ा सकते हैं और ये फिंगरप्रिंट एज अ लॉक भी आप रख सकते हैं, जो यार काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद चलते हैं एडिशनल सेटिंग में, और एडिशनल सेटिंग में भी आपको बहुत सारे यहाँ पे कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि जेस्चर शॉर्टकट्स, तो यहाँ पे थ्री फिंगर शॉर्टकट या थ्री फिंगर से मतलब टच करके ऐसे स्क्रीनशॉट लेना, ये सारे फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट फीचर है टर्न ऑन टच, तो इसको भी जरूर इनेबल करना, रात के टाइम में ये बहुत काम का आता है। मतलब जैसे कि मान लो अंधेरा है, पूरा बंद है, आपका फ़ोन पकड़ो, बस पावर बटन को डबल प्रेस करो तो यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। तो इसको यार जरूर इनेबल करना, क्योंकि ये कभी कभी अंधेरे में बहुत काम की चीज़ है। एडिशनल सेटिंग में ही गाइज आपको यहाँ पे वन हैंड मोड देखने में मिलता है। ऑलरेडी ये फ़ोन वन हैंड ही है, फिर भी आप वन हैंड मोड यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वन हैंड मोड को आपको इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो सेंटर का बटन है उसको प्रेस करके आपको राइट साइड में स्वाइप करना है, जैसे कि इसे, उसके बाद ये वन हैंड मोड इनेबल हो जाएगा और चाहे तो आप इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद गाइस चलते हैं स्पेशल फीचर में, और स्पेशल फीचर में भी आपको काफ़ी कमाल के फीचर देखने मिलते हैं। सबसे पहले है गाइस गेम टर्बो, और गेम टर्बो यार शाओमी का बहुत बेटर है और इसको जरूर यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे गाइस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने में मिलता है और यहाँ से आपको गेम टर्बो को सबसे पहले इनेबल करना पड़ेगा। इसका शॉर्टकट जो है इसको भी इनेबल करना, और जब भी आप कोई भी गेम ओपन करते हो और इस आइकन के ऊपर आप स्वाइप करते हो तो ऐसा कुछ गेम टर्बो का मेनू यहाँ पे आपको देखने में मिल जाएगा। ऊपर के साइड में FPS वगैरह देखने को मिल जाएगा, और गेम खेलते खेलते आप थर्ड पार्टी ऐप्स भी यहाँ पे ओपन। उसके साथ गेम टर्बो में ही जो परफॉर्मेंस मोड देखने मिलता है और उसमें जो ऑप्शन सारे देखने मिलते हैं उनको भी गाइस जरूर इनेबल करना, और नीचे जो आपको परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन देखने मिलता है उसको भी इनेबल कर रखना, गेम खेलते समय ये काम आ सकता है। उसके साथ गाइस बात करें नेक्स्ट फीचर्स की, जो आपको यहाँ पे स्पेशल फीचर देखने मिलता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वीडियो टूल बॉक्स। मान लो गाइज ये वीडियो टूल बॉक्स आप इनेबल करते हो और यहाँ पे मैनेज ऐप्स में आके किसी ऐप के ऊपर इसको इनेबल करते हो, जैसे यूट्यूब के ऊपर इनेबल किया, और फिर गाइज मैं ओपन कर लेता हूँ यूट्यूब। यूट्यूब गाइज यहाँ पे ओपन करने के बाद, यूट्यूब के ऊपर इनेबल करने के बाद गाइज यहाँ पे साइड में आपको एक वर्टिकल शॉर्टकट देखने को मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऐसा कुछ आपको वीडियो टूल बॉक्स देखने को मिलेगा। अब वीडियो देखते देखते ही आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यहाँ पे थर्ड पार्टी ऐप्स को भी गाइज यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो। सो मुझे पता है दोस्तों आप इस फीचर के लिए वेट कर रहे थे,
कि कैसे रिंग लाइट इफेक्ट अपने फ्रंट कैमरा के अराउंड क्रिएट करना है, और आपका जितना बैटरी परसेंटेज बचा है उतना ही रिंग लाइट इफेक्ट आपके फ्रंट कैमरा के अराउंड क्रिएट होगा और ये बहुत मस्त दिखता है। तो इसको कैसे इनेबल करना है, उसके साथ गाइज इस फोन में आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर यूज कर सकते हैं, बट आपको गाइज मैं यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं करूँगा क्योंकि इस फोन में आपको IPS डिस्प्ले देखने मिलता है और आप ऑलवेज ऑन स्क्रीन वगैरह इनेबल करते हो या ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह इनेबल करते हो तो इस फोन का जो बैटरी है ये बहुत फास्ट ड्रेन होगा, इसलिए मैं आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रिकमेंडेड नहीं करता हूँ। फिर भी ये फीचर आपको यूज करना है तो आपको AOD सर्च करना है, और ये जो थर्ड नंबर का ऐप है इसको आप यूज कर सकते हैं एज ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, बट यार आपका बैटरी बहुत फास्ट ड्रेन होगा। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं कि कैसे ये रिंग लाइट इफेक्ट क्रिएट करना है फ्रंट कैमरे के अराउंड। तो गाइज यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे डायरेक्ट सर्च करना है एनर्जी रिंग, उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको एक ऐप देखने को मिल जाएगा क्रिएटिव फोटो टूल, इनका ऐप है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले गाइज आपको सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाके यहाँ पे आपको सर्च करना है डिस्प्ले ओवर, उसके बाद डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स का यहाँ पे आपको सेटिंग देखने को मिल जाएगा। नीचे आना है डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, और इसके बाद ये जो एनर्जी रिंग वाला ऐप है इसको गाइज आपको परमिशन देना है, एनर्जी रिंग, और इसको आपको परमिशन देना है। परमिशन देने के बाद ही ये ऐप काम करेगा। उसके बाद इस ऐप में आना है, और यहाँ पे गाइज ये जो रिंग लाइट है ये इस कोने में एक साइड में आपको देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली गाइज इसको आपको लेके आना है अपने फ्रंट कैमरे के अराउंड। उसके बाद यहाँ पे गाइज इसका कलर आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि 0 to 50% आपका बैटरी रहता है तो कौन सा कलर देना है, और 50 to 100% बैटरी रहता है तो आपको कौन सा कलर यहाँ पे सेट करना है। आपकी मर्जी, जो आपको कलर पसंद आते वो आप रख सकते हैं। और ये ऐप यार बैकग्राउंड से किल नहीं होता है, एक बहुत अच्छी चीज़ है, और ये हमेशा ऐसे रिंग लाइट इफेक्ट क्रिएट करके आपको दे देगा। तो गाइज ऐसे कुछ थे इसके इस फोन के टॉप फीचर्स, और इनमें से कौन से फीचर आपको पसंद आए मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आपको इस फोन के कौन कौन से वीडियो चाहिए ये भी जरूर कमेंट कर सकते हो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। जय हिंद दोस्तों।